अब क्या क्या चीज है वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब सब बार है उसकी प्राइस देखने की कि कौन सी चीज की प्राइस कितनी है वो जानने की। अब है तो शुरुआत करते हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी। पहली चीज ये थी जो पहले ही मैंने ये 2070 में ली थी और ये चल रहा है 2020 और तब इसका प्राइस था 11,000। ये मेरा फर्स्ट कैम था जो मैंने मैंने राइडिंग में मोटो ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग मैंने ये कैम से किया था। अब सेकंड है गोप्रो 7 जो मुझे 31,000 में पड़ा था। ये है उसका चार्जर गोप्रो का जो 2-in-1 है, दो बैटरी एक साथ में फास्ट चार्ज करता है, दो बैटरी एक साथ में चार्ज करता है। ये आया था 4,500 में। ये दो छोटे छोटे ट्राइपोड है जो गोप्रो है और एसजे कैम है उसके वजह उसके टाइम लैप्स लेना हो या ऐसा पूछो तब ये काम में आते हैं। तो इसका एक का प्राइस है 300 रुपीज़, तो दोनों का 600 होता है ये दोनों का। ये है एक हार्ड डिस्क मेरी 1 TB की है क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप में भी 1 TB है तो वो भी पूरा खाली है। ये इससे अभी काम चल रहा है मेरा, तो अभी मैंने एक ही लिया है और इसका प्राइस था 4,200 रुपीज़। माई पासपोर्ट, ये एक हार्ड डिस्क है। फिर आते हैं ये गिम्बल पे। ये गिम्बल है DJI का। ये गिम्बल का मैंने ले तो लिया था पर यूज़ बहुत कम किया था। उदयपुर में ये लिया था नया नया, तो उदयपुर में सब लोग इसी से शूट किया है, उसके बाद शूट नहीं हुआ है। और इसका प्राइस भी है 11,000। DJI का है गिम्बल। ये है जॉवी का ट्राइपॉड जिसकी प्राइस है 4,200। ये भी एक ट्राइपॉड है, इसका उसकी ब्रांड तो मुझे नहीं मालूम है पर इसकी प्राइस थी 800 रुपीज़। ये भी अच्छा है, कभी कभी चल जाता है फोन में और गोप्रो का टाइम लैप्स के लिए चल जाता है ये भी। तो ये है मेमोरी कार्ड। ये सबके सब मेमोरी कार्ड है 128, 64, 128, 32, 64, 32, 60। और ये जो है वो ड्रोन के लिए स्पेशल क्योंकि ये है एक्सट्रीम प्रो, तो ये 128 GB का है। तो इसी की सिर्फ सिर्फ ये एक मेमोरी कार्ड की प्राइस 4,500 है। ये सिर्फ एक मेमोरी कार्ड की प्राइस। तो सबके मिला के देखने चाहो तो और एक मेरा DSLR में भी एक मेमोरी कार्ड अभी है और ये 4 और ये 3, 7 और एक DSLR का 8, तो सबका मिला के देखने जाओ तो 10,000 के हुए मेमोरी कार्ड। और तीन है मेरे पास पावर बैंक, ये है 20,000, ये भी है 20,000 और ये है 10,000। ये तीनों के भी प्राइस मिला के देखो तो 4,000 की तीन पावर बैंक है। और एक का डिवाइस है जिसका जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, जिसका नाम है कैनन M50 जो मैंने नवंबर या दिसंबर में मैंने लिया था, जिसकी प्राइस है 51,000। और उसके साथ मैंने एक बोया का माइक लिया था जिसकी प्राइस थी 2,000। तो ये जो कैमरा है DSLR और उसका माइक का देखने जाए तो 53,000 होता है। और ये सबका बाप सबका खिलाड़ी, सो सबसे महंगा है ये DJI Mavic Air 70,000 रुपीज़, सबसे महंगा है ये। ये अभी एक साल से ही मैंने परचेज किया है तो ये सबसे महंगा खिलाड़ी है। तो ये हुआ कैमरा डिपार्टमेंट जो अभी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे चलते हैं जो होगा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के मेरे पास दो ही डिवाइस है जो आप लोगों ने देखे। पहला ASD5, ये बॉक्स इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हेलमेट में है अभी लगा हुआ और हेलमेट है मेरे फ्रेंड के पास, तो इसीलिए अभी बॉक्स से काम चलाओ। तो इसकी प्राइस थी 9,000 रुपीज़। ओके, तो ये है OnePlus 7 Pro जिसकी प्राइस है 51,000। मैंने 51 में लिया था, अभी कितना प्राइस है मुझे नहीं मालूम है, मैंने जब नया नया लॉन्च हुआ था तभी ले लिया था, तो इसकी प्राइस थी 51,000। अब चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन पे जो होगा सेफ्टी गियर पे। ओके, तो ये है फॉग लैम्प जिसकी प्राइस थी 7,000 जो सूरत में बाइकर्स वर्ल्ड करके एक शॉप है अडाजन में, वहां से मैंने इंस्टॉल करवाई थी।
तो ये है फ्लेशर, फ्लेशर लाइट, तो इसका प्राइस है 2000 रुपीस। ये जो अभी ब्लिंक कर रही है वो फ्लेशर लाइट। और ये सैडल स्टे, उसका भी एक वीडियो है, आप चाहो तो चैनल में जाके अंदर वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो उसका उसकी प्राइस है 5000 रुपीस में। सैडल स्टे और टॉप रैक दोनों का सेटिंग 5000 में हुआ था। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।